हाँ तो आज सुषमा हमारी आलू वाला पराठा बना रही है। तो गोभी ये वाला। सॉरी गोभी और आलू मिक्स हैं। हाँ तो मे भी ये बहुत अच्छा होने वाला है। सुषमा ये तो तुम्हारे मुंह से भी बड़ा पराठा लग रहा है मुझे। मेरा मुंह इतना बड़ा, नहीं मुंह मतलब से के भी बड़ा। मतलब बड़ा है ना, तुम्हारे मुंह से भी बड़ा ये बोला मैं। मुंह में मजा आएगा वाह पराठा है। खाया जबरदस्त। कभी ऐसा पराठा? मुंह में नहीं कहता। पराठा टेस्ट तो करें, बताएं कैसा बना है। हाँ अभी थोड़ा गर्म है ना, लग तो नहीं, बहुत हो मजे का गया, लग रहा ठंडा है, हो गया है। खाओ, बहुत मजे का लग रहा है। अरे टेस्ट तो करो। मूवी का सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट रुक जाओ। कैन इम्पॉसिबल बिकमिंग डेड पार्ट 1। मैं पराठा वापस ले जाऊंगी, मिशन इम्पॉसिबल खा लेना फिर। उस यम्मी। खाओ और बताओ कैसा बना। मजेदार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे, बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मेरा कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर मैं व्लॉग 2 दिन का इकट्ठा अपलोड करूँगी। यहाँ पे जी फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ ड्रिप लगवाने के लिए, और ये देखें इनका पोज चेक करें, मज़े से लेटे हुए हैं, और ये सेकंड पोज देखें, आराम से मज़े से सुकून से बैठे हुए हैं। इससे पहले ये इनको भूख लग रही थी। खैर, हॉस्पिटल से वापसी पे हम लोग सादिया के घर चले गए। वहाँ पे सादिया ने बहुत मज़े का सूजी का केक बनाया हुआ था, इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी अपने चैनल पे। और साथ में उसने हमारी क्रेविंग, जिससे हमें प्यार होता है, चाय बनाकर दी। बहुत मज़े की चाय, बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। बस फिर हम लोग घर जब वापस आए हैं तो मेरा फ्रूट्स खाने का दिल था, फिर मैंने फ्रूट्स खाए हैं। आज के व्लॉग में एक बहुत मज़े का वाक्या हो गया हमारे साथ। हमारी गाड़ी कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम कर रही है, और मसला ये है उसके साथ कि हमें मसले का नहीं पता। यहाँ तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग जाती है। स्टार्ट के डेज़ में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, मतलब लेट नाइट कभी भी भूख नहीं लगी, ना ही मैं पहले कभी इतनी फूडी थी, और प्रेगनेंसी में तो वैसे ही मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। मगर अभी कुछ दिनों से मुझे भूख लग रही है, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जिस टाइम खाने का टाइम होता उस टाइम भूख नहीं लग रही होती, जब खाने का टाइम नहीं होता उस टाइम पर मुझे भूख लगती है और मेरा कुछ खाने का दिल करता है। तो हम लोगों ने बाहर जाना था और हमने गाड़ी बाहर निकालनी थी, मगर गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमारी मेहरू बहुत नखरे वाली है, बहुत लाडली है, इसलिए फिर मैंने जब गाड़ी को धक्का लगाया तो फिर मेहरू जनाब कहीं जाके स्टार्ट हुई, और मैं बहुत डर गई कि अब मेहरू कहीं सीधी की सीधी चली ना, और शुश जो हैं वो बेचारे पीछे पीछे भाग रहे हो धक्का लगाते हुए कि कहीं मेहरू मेरी बीवी को साथ ही ना ले जाए। वैसे मैं ये बता दूं कि हम लोग शॉर्मा खाने के लिए आए हैं और ये हॉरर सी बिल्ली बैठी वहाँ पे हमें देख रही थी, और जैसे ही मैंने कैमरा जूम आउट किया पता नहीं ये कहाँ चली गई। शॉर्मे का मैं रिव्यू देती जाऊँ, शॉर्मा बहुत मज़े का था, ये एक्स्ट्रा सॉस भी देते हैं साथ। अच्छा, तो शॉर्मा खाने के बाद अब हमें दोबारा से डर लगे कि यहाँ पर अगर गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, बंद हो गई, तो फिर कौन धक्का लगाएगा। मगर मेहरू खुद ही स्टार्ट हो गई थी। चाय पीने का दिल है तुम्हारा? हाँ, चाय पीनी है। चाय यार, ये मेरा तो दिल कर रहा लिमका पीते हैं एक मजे का। ऐसे थोड़ी सी ना प्यास प्यास लग रही है, चाय थोड़ा गर्म हो जाएगा ऐसा। चलो फिर लिमका पी लेते हैं। यार चाय तुम्हारा दिल है तो पीते, क्योंकि जो इस जहाँ से हम चाय पीने जा रहे हैं ना, ऐसी चाय नहीं पियोगी कभी। मतलब मैं जो ओलपस की चाय बनाता हूँ ना, उससे भी बहुत बेहतर है। नहीं 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 आप तो बहुत अच्छी चाय बनाते हो, आपको तो मैंने ठेला खोल के देना है। इतनी मजे की चाय बनाते हो। ठेला खोल नहीं देना। हाँ, बहुत चलेगा सुसा, बहुत अच्छी चाय बनाते हो यार। वो तो बात ठीक है, लेकिन इसकी चाय बाकी। आप इन सबसे बेहतरीन चाय बनाते हो। चाय खाने की भी चाय अच्छी लगी, क्या कहती हो? चाय खाने की तो बहुत बकवास है, मैंने पहले भी कहा था, जरा भी अच्छी खास नहीं थी। पानी और पतला सा लगता है, पाउडर वाला दूध और पत्ती और भी नहीं थी उसमें। सबसे महंगी चाय मतलब इतनी 1200 रुपए का, मतलब आई थिंक विद कोई केक शेक 1200 रुपए का बिल बन गया उस दिन, एक कप चाय का। और बस आइंदा फिर चाय आप भी बना दिया करो, आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो। वाला कितने का है? 160। 160 हाफ देते हो? एक यार उस दिन हाफ पराठा भी तो दिया था। हाफ नहीं है। अच्छा, इनका शक्कर वाला पराठा भी है, वो खाया कभी आपने? नहीं। डिफरेंट है बहुत, शक्कर वाला पराठा ट्राई करना। कर लेते हैं, अच्छा जैसे होगा। आप चीनी वाली रोटी खाते हो ना, ऐसे शक्कर वाला पराठा बनाते हैं। कितने का शक्कर वाला पराठा? 70 रुपए का। एक वो कर दो, 2 कप चाय कर दो। ये जी हमारी चाय आ गई है। ये तो दोनों खाने खा लिए।
इसमें तुम, मैं चाह रहा था मायोनीज वगैरह। इसमें पराठा नहीं देंगे? नहीं, पराठा मैं यहाँ से लाता। एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, बहुत मजे की कड़क चाय। ये जी आ गया है शक्कर वाला पराठा, देखा कितना प्यारा लग रहा है। हाँ ये इतना ही होता है, इसकी शेप इतनी बनाता है, ये पता नहीं ऐसे ही बनता है, ये मछली की होता इतना बहुत ज्यादा, वो बस थोड़ा सा हो गया होगा टेढ़ा, ये ऐसे ही बनाता है। पराठा मैंने फर्स्ट टाइम खाया और यकीन करें चीनी वाले पराठे से कहीं ज्यादा ये अच्छा मुझे लगा। आइंदा मैं भी शक्कर वाला पराठा ही बनाया करूंगी। ठीक है जी, इसी के साथ ये 2 दिन का व्लॉग एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।